दूध का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के अंडगांव बुद्रुक में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने दूध रास्ते पर फेंककर अपना विरोध जताया। दूध व्यवसाय से जुड़े किसानों का कहना है कि दूध का कम भाव मिल रहा है, सरकार को कम से कम 40 रुपए प्रति लीटर का भाव देना चाहिए, क्योंकि किसानों को अपने जानवरों के लिए चारा भी महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। दूध सांडून आम्ही हा विरोध दाखवलेला आहे। आम्ही याच्यापूर्वी आंदोलन केलं पण दुधाला अजिबात भाव नाही। आज बघा, हे बिस्लेरीला केवळ 25 रुपये भाव आहे, आमच्या दुधाला 24 रुपये भाव आहे। म्हणजे याला उत्पादन खर्च 2 रुपये बी असणार नाही। आमचा उत्पादन खर्च 40 रुपये 35 रुपये आहे। तरी सरकारला काय कळत नाही का? सरकारला सारं कळतं, पण शेतकऱ्याचं मरण हे धोरण शेतकऱ्यांचं सरकारचं, कोणतंही सरकार आलं शेतकऱ्याकडे चांगल्या दृष्टीने पाहत नाही। आज इथून पुढे शेतकऱ्याचा अंत पाहू नये, आम्ही तीव्र आंदोलन करू। आमच्या गावामध्ये 95% शेतकरी हे दुधावर अवलंबून आहे, आणि आज जर शेतकरी असे जर सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर आम्ही उद्या संभाजीनगर तीव्र आंदोलन करू। याचा सरकारला कळेल याचा कसा हे होईल म्हणून परिणाम होईल। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो पूरे छत्रपति संभाजी नगर में दूध की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने किसान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।